Hello students, so here I am Ms. Mukaddam Tabassum with a new chapter from Geography, Land, Soil and Water Resources. So, हमने पहले वीडियो में पहला चैप्टर देखा था, आज हम सेकेंड चैप्टर देखेंगे जहाँ पे हम लोग थ्री रिसोर्स स्टडी करेंगे, सॉइल रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज एंड लैंड रिसोर्सेज. Among these three resources, land is the basic resources. So, today first we will start our chapter with the land resources. लैंड इज़ द रॉकी आउटर लेयर ऑफ द अर्थ. अर्थ का जो आउटर लेयर है, रॉकी पार्ट, दैट इज़ नथिंग बट द लैंड. लैंड इज़ यूज बाय ह्यूमन बींग्स फॉर सेटलमेंट, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट एंड मैनी अदर एक्टिविटीज़. बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ है जो लैंड के ऊपर की जाती है. लैंड प्रोवाइड्स फूड एंड वाटर टू ऑल ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स. हियर वी आर गोइंग टू लर्न थ्री टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स, माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स. नाउ सी वॉट लैंड फॉर्म हियर यू कैन सी, इट्स अ माउंटेन, राइट. हियर आई शोन द फोर मेन कैरेक्टर्स ऑफ माउंटेन, दैट आर माउंटेन्स आर हाई एंड इट इज़ येस रॉकी लैंड. वो बहुत हाई होते हैं, लैंड जो होती है वो रॉकी होती है, रॉक्स होते हैं वहाँ पर. स्टीप साइड्स दैन पॉइंटेड और राउंडेड टॉप, जिसका टॉप होता है वो पॉइंटेड या तो फिर राउंडेड होता है. और जो हील्स होते हैं वो माउंटेन से छोटे होते हैं, मतलब माउंटेन हील से भी बड़ा होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रॉम इंडिया, हिमालयन माउंटेन. नेक्स्ट इन दिस पिक्चर विच लैंड फॉर्म वी सी, इट्स अ प्लेट्यू. नाउ व्हाइल टॉकिंग अबाउट अ प्लेट्यू, प्लेट्यू इज़ अ एलिवेटेड अपलैंड विद अ फ्लैट टॉप्स. उसका जो टॉप है वो देखो फ्लैट है और वो एलिवेटेड पोर्शन है, ओके. और वो जो प्लेट्यू है वो फ्लैट टेबल जैसे होता है, एकदम फ्लैट टेबल. सो दिस प्लेट्यू इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ टेबल लैंड. एंड प्लेट्यूज़ आर यूजफुल एज अ ग्रेजिंग ग्राउंड फॉर एनिमल्स. एनिमल्स के ग्रेजिंग के लिए प्लेट्यूज़ का ज़्यादातर उपयोग किया जाता है. थर्ड टाइप ऑफ लैंड फॉर्म इज़ प्लेन लैंड. नाउ प्लेन आर वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ लो एंड फ्लैट लैंड, ओके. तो ये जो प्लेन है वो लो और फ्लैट लैंड होती है, और साथ ही साथ में वो स्लाइटली अनड्यूलेटिंग लैंड भी होती है. अनड्यूलेटिंग मीन्स अगर हम कहें तो स्लाइटली स्लोप्स और कर्व्स होते हैं, तो जो अनड्यूलेटिंग उसे कहा जाता है. और जो प्लेन लैंड्स होते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंस उसकी एक अलग होती है एग्रीकल्चर फील्ड में. ऑल्सो प्लेन्स हैव इम्पॉर्टेंस इन बिल्डिंग नेटवर्क्स ऑफ रेल्स एंड रोडवेज. नाउ वी विल टॉक अबाउट यूटिलाइजेशन ऑफ डिफरेंट लैंड फॉर्म्स, या तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ. ये जो तो उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ है इन लैंड फॉर्म्स वो बहुत अनइवन है. जैसे कि अभी आप प्लेन की बात ले लो, सो प्लेन लैंड्स दैट सपोर्ट्स अ डेंस पॉपुलेशन. तो लैंड यूज़ का जो लोग जो ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो प्लेन लैंड्स का यूज़ करते हैं. अगर हम लोग डेजर्ट की बात करेंगे तो डेजर्ट्स आर नॉट दैट मच सपोर्टिव फॉर द पॉपुलेशन ड्यू टू इट्स ड्राई एंड एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस, राइट. तो वहाँ पर ज़्यादा ड्राई कंडीशन होती है, क्लाइमेटिक कंडीशंस होते हैं बहुत ज़्यादा. उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे नोमैडिक लोगों की, तो उनको बहुत ज़्यादा सर्वाइव करना पड़ता है ऐसे एरियाज़ में. सो प्लेन लैंड्स ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं लैंड यूटिलाइजेशन में. तो इस तरह से जो अलग अलग लैंड फॉर्म्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है लोगों के हिसाब से, लोग अपने हिसाब से उसके अंदर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट हुआ होते हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट लैंड यूजेस. नाउ लैंड इज़ यूज फॉर बिल्डिंग हाउसेस, एग्रीकल्चर, ग्रेजिंग एनिमल्स, राइट. ऑल्सो फॉर माइनिंग, देन फॉरेस्ट्री, रोड्स, इंडस्ट्रीज. तो ये जो लैंड यूज़ है उसका भी बहुत ध्यान से यूज़ करना है, बिकॉज लैंड इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द फिजिकल फैक्टर्स. अलग अलग कम्युनिटीज़ डिफरेंट लैंड यूज़ के पैटर्न यूज़ करते हैं. बट इफ़ यू यूज़ द लैंड इन इम्प्रॉपर वे, देन इट वॉन्ट बी गो फॉर लॉन्ग टर्म. एनवायरमेंटल प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकते हैं, लैंड स्लाइड, सॉइल इरोजन, डिग्रेडेशन, पॉल्यूशन. तो ये सब प्रॉब्लम उसके साथ स्टार्ट हो सकते हैं. सो बेस्ट यूज़ फॉर लैंड इज़ वॉट, दैट वी शुड डू द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ लैंड. इट शुड भी इको फ्रेंडली. वी मस्ट अडॉप्ट सम कंट्रोल मेजर्स. जो लैंड पॉल्यूशन के लिए, एक्सपोजर के लिए, इंडस्ट्रियल वेस्ट के वो प्रिवेंट हमें करना चाहिए. एंड देन ऑल्सो वी हैव टू मेंटेन अवर इकोलॉजिकल बैलेंस विद अवर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं जिसे अगर हम अडॉप्ट करते हैं अपने डेली लाइफ में, देन द यूज़ ऑफ लैंड कैन बी द बेस्ट यूज़ ऑफ लैंड. सो वी मस्ट कंजर्व दोज थिंग, प्रोटेक्ट our resources by adopting such control measures. So here we finish our first part, land resource. In further video we will be get back with our other two resources. Thank you.